2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का भारत बादशाह बन गया। भारत ने चौथी बार कोई वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस अद्भुत जीत और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात हुई है। न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि उप विजेता रही दक्षिण अफ्रीका भी मालामाल हो गई। चलिए जानते हैं कि किस टीम को कितने रुपए मिले और किसे कौन सा इनाम मिला। भारतीय टीम को 20.42 करोड़ रुपए की इनामी राशि के तौर पर मिली, तो वहीं उप विजेता रही दक्षिण अफ्रीका को 10.67 करोड़ रुपए दिए गए। बता दें कि आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कुल 93.8 करोड़ रुपए की प्राइज मनी की घोषणा की थी। इसी मनी को सभी टीमों में बांटा गया है। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को भी प्राइज मनी से नवाजा गया है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान को प्राइज मनी के तौर पर 6.54 करोड़ रुपए दिए गए। दरअसल इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, हालांकि दोनों टीमें सेमीफाइनल में हार गई थी। फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों पर तो करोड़ों की बारिश हुई ही, लेकिन उन्हें भी आईसीसी ने करोड़ों का इनाम दिया है, जो टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी नंबर पे रही। इसमें 9वें से 12वें नंबर वाली टीमों को 2.5 करोड़ रुपए मिले। वहीं 13वें से 20वें नंबर की टीमों को 1.87 करोड़ रुपए दिए गए। यानी कि आईसीसी ने दिल खोलकर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली क्रिकेट टीमों को इनाम के लिए धन राशि दी है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thank you.